Hey guys, welcome back to my video. Today we are going to visit the bag. ये देखो इसकी अलग ही पार्टी चल रही है. और मंजिंदर सिंह क्या बोलना चाहते हो? How are you feeling in Canada? Is it good? Okay. We'll speak in Hindi. स्वागत है आपका मेरे चैनल में. और आज हम जा रहे हैं बैंक क्योंकि मुझे अपना डेबिट कार्ड का कुछ इशू चल रहा है, तो आज वो सॉर्ट आउट करेंगे. फिर हम जाएंगे आई थिंक कैनेडियन टायर, कैनेडियन टायर राइट. हाँ, तो फिर वहाँ जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा किधर क्या है. मेरी स्कॉशिया बैंक में अपॉइंटमेंट है. सो लेट्स गो. ये है कैनेडा का मौसम भाई. धूप का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड उतनी है. सही ना? यह क्या पी रहे हो भाई? यह है क्या? ओ स्पार्कलिंग वाटर. इसमें क्या रहता है? इसमें सदा अजमाता है. ये है स्पार्कलिंग वाटर गाइस, मतलब पानी है जिसको फ्लेवर किया होता है. इसमें थोड़ी गैस रहती है, बस कुछ नहीं, जैसे अपने इंडिया में सोडा. करेक्ट? हाँ, सोडा पानी. सोडीज. ओके. तो गाइस, जैसे आप कनाडा आते हो तो हमेशा याद रखना, जैसे अगर समर में आ रहे हो तो इट्स ओके, आप चल सकते हो. पर अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आपको बस पास बनाना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे स्नो में आप चल नहीं पाओगे. ये देखो, ये जब वो साफ़ करते हैं, जैसे ये देखो ये गाड़ी जा रही है, वैसे ये जैसी भी रहती है या कोई दूसरी गाड़ी रहती है जो ये रास्ता साफ़ करती है, तभी आप चल पाओगे, वरना भाई आपके पैर स्नो में धंस जाएंगे. तो बस पास बनाना आराम से बन जाता है, $75 to $80 में ना भाई. $75 में बन जाता है, एक महीने का पास. रेक्सल में बनता है भाई. अगर आप सतबरी में हो तो रेक्सल में जाओ, वहाँ पे सस्ते में बनता है. तो गाइस, आपको उस जगह पे रुकना है जहाँ पे लाइक ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गोवा, वो बस स्टैंड है. वहाँ आपको वहाँ रुकना है और अपने मैप पे सर्च करना है. उसमें बस के टाइमिंग दिखा देते हैं, हर एक 15-10 मिनट में बस आती है, तो यहाँ पे इशू नहीं है. जैसे हमारी बस आ चुकी है, तो जैसे आप देख सकते हो हमारी बस आ गई है. बस 11 नंबर है. नहीं, भाई जैसे आप जिम जा रहे हो या फिर आपको कॉस्मेटिक का सामान खरीदना है, तो यहाँ पे ये है स्पोर्ट चेक, शॉपर, ड्रग मार्ट. यहाँ पे आप कॉस्मेटिक का खरीद सकते हो. यहाँ पे आप जिम वगैरह स्पोर्ट, पूरे स्पोर्ट की शॉप है ना भाई, ये खरीद सकते हो. वो सामने रहा स्कॉशिया बैंक. अब हम जा रहे हैं स्कॉशिया बैंक. तो अभी हम आ गए स्टोर में और हम ढूंढ रहे हैं शूज़. ये है स्टोर. हम आए हैं कहाँ पे आए भाई? कैनेडियन अटायर में हमने लिए ये जूते. ये है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी बूट्स, और मेरा कोर्स भी वैसा है तो लेने पड़ते हैं. बाकी के यहाँ पे सब आपको इक्विपमेंट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, सब घर का सामान से लेके हार्डवेयर मशीन्स वगैरह सब कैनेडियन अटायर में मिल जाएंगे. ये सिर्फ मैं बूट्स यहाँ पे लेने आए थे क्योंकि ये यहाँ पे भी अवेलेबल थे. बाकी की जगह में आपको प्रिंसेस ऑटो करके रहेगा, वहाँ पे बाकी आपको टूल्स वगैरह उससे इससे भी सस्ते मिलेंगे. तो हमेशा स्टोर में जाओ, कंपेयर करो और फिर खरीदो. भाई आपका कोर्स कौन सा है? कोर्स कौन सा है आपका? मेरा? हाँ, मेरा पिटीशन क्लबिंग. इनका कोर्स है होटल मैनेजमेंट. और ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं. यहाँ पे ये कुकर वगैरह खरीदेंगे, ओवन वगैरह, ताकि ये ऑमलेट बना सके. शेफ़ बनना है ना भाई आपने? जूसर देखेंगे. शेफ़ बनना है ना आपने? जूसर. वही व्यवहार कर. भाई नई गाड़ी ले रहे हैं तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ. भाई कौन सी गाड़ी ले रहे हैं आप? फॉर्चुनर. कहाँ पे? सिस्टम. ये देखिए ना, ये फॉर्चुनर है. ये फॉर्चुनर है. हाँ. तो आपको ऐसी गाड़ी लेनी है फ्यूचर में. ग्रेट. तो गाइस हमने ले लिया है शूज़. भाई कहाँ है शूज़? ओ आप यहाँ. शूज़ ले लिया है, अभी हम चल रहे हैं. बहुत महंगे पड़े भाई, फिर भी हमने कंपेयर करके सस्ते में ही खरीदा है, $100 में. ऊपर से उसका टैक्स लगता है, 109 का था तो 124 हो गया. हमेशा याद रखना यहाँ पे टैक्स लगता है भाई. यहाँ पे कोई MRP या वगैरह कुछ नहीं है ना भाई? GST MRP कुछ नहीं है. यहाँ पे टैक्स भरो, जो भी चीज़ ले रहे हो, $1 हो या 1 सेंट हो, कुछ भी हो, उसमें टैक्स लगेगा ही लगेगा, ये याद रखना. अभी हम पहुँच चुके अपने घर में. ये हमारा घर जो कि ऐसा दिखता है, पर हम पिछले दरवाजे से जाएंगे क्योंकि आगे थोड़ा स्नो वगैरह गिरता है तो भर जाता है. सो वी आई हियर. लेट्स गो, चलते हैं घर में.
खोल भाई दरवाजा खोल, जूते निकाल के रखते हैं। तो गाइस अभी हम घर आ चुके और हमने बना दिया अपना खाना। आज का खाना ये है बिरयानी और अंडा कड़ी। यहाँ पे खाना खुद ही बनाना पड़ता है। और एमजे क्या बोलते हो, कुछ बोल रहा है? शर्मा रह गए मेरे पे बेचारा। चलो गाइस यहाँ पे अभी एंजॉय करेंगे अपना मीट। और ये बंदा पानी की जगह पीता है स्पार्कली वाटर। है कुछ नहीं भाई, बस ये फ्लेवर पानी है और इसमें बस गैस भरी होती है। तो ये पर इसको यही चाहिए खाना खाते समय, स्पार्कली वाटर। ओके गाइस बाय, टेक केयर।